टैली के इस अध्याय में अकाउंटिंग की जिन टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम जानने वाले हैं उनमें शामिल हैं राजस्व यानी रेवेन्यू, आय यानी इनकम, छूट यानी डिस्काउंट, डूबत ऋण यानी बैड डेट्स, लेन देन यानी ट्रांजेक्शन और प्रमाणक यानी वाउचर। राजस्व यानी रेवेन्यू, गुड्स या सर्विस को मार्केट में सेल करने पर उससे जो प्राप्ति होती है वह रेवेन्यू कहलाती है। आय यानी इनकम, किसी भी माल या सर्विस को मार्केट में सेल करने पर उससे जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसमें से एक्सपेंसेस को घटाने के बाद जो राशि बचती है उसे आय या इनकम कहते हैं। यह दो प्रकार की हो सकती है, डायरेक्ट इनकम यानी प्रत्यक्ष आय और इनडायरेक्ट इनकम यानी अप्रत्यक्ष आय। डायरेक्ट इनकम वो इनकम है जो हमें मुख्य व्यवसाय से मिलती है। मान लीजिए हमारी सोप इंडस्ट्री है तो इससे प्राप्त होने वाली आय डायरेक्ट इनकम कहलाएगी। मुख्य व्यवसाय के अलावा जो इनकम हमारी होती है वह अप्रत्यक्ष आय या इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हमारी सोप इंडस्ट्री है, उसके अलावा हमने कुछ गोदाम किराए पर दिए हुए हैं तो उनका जो किराया आता है वो इनडायरेक्ट इनकम है। या हमने कुछ रुपया बाजार में उधार दिया हुआ है तो उसका जो ब्याज प्राप्त होगा वह हमारी इनडायरेक्ट इनकम होगी। बट्टा या छूट यानी डिस्काउंट, व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली रियायत छूट या डिस्काउंट कहलाती है। यह बट्टा दो प्रकार का हो सकता है, व्यापारिक बट्टा यानी ट्रेड डिस्काउंट। व्यापारी माल बेचते समय ग्राहक को माल के मूल्य में कुछ कमी या बिल की राशि में जो कमी करता है वह व्यापारिक छूट कहलाती है। यह छूट ग्राहकों को अधिक माल खरीदने के लिए प्रेरित करने हेतु दी जाती है। यह छूट माल के विक्रय मूल्य में से कुछ निश्चित प्रतिशत के रूप में दी जाती है। इस छूट को बिल में ही कम कर दिया जाता है। दूसरा है नकद बट्टा यानी कैश डिस्काउंट। व्यापारिक चलन के अनुसार प्रत्येक ग्राहक को एक निश्चित अवधि में भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाती है। अगर ग्राहक निश्चित अवधि के पहले ही भुगतान कर दे तो उसे कुछ छूट दी जाती है जिसे नकद छूट यानी कैश डिस्काउंट कहा जाता है। कैश डिस्काउंट के लालच में ग्राहक शीघ्र भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित होता है। यह डिस्काउंट भी प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। डूबत ऋण यानी बैड डेट्स, व्यापारी को उधार बेचे गए माल की पूरी रकम डेटर्स यानी देनदारों से प्राप्त हो जाए यह आवश्यक नहीं है। अतः इस उधार की रकम में से जो वसूल नहीं हो पाती है उसे व्यापारी का डूबत ऋण या बैड डेट्स कहते हैं। उदाहरण के लिए व्यापारी को सोहन से 600 रुपए लेने थे किंतु सोहन के दिवालिया हो जाने से उसकी संपत्ति से 400 रुपए ही वसूल हो सके। ऐसी स्थिति में 200 रुपए डूबत ऋण या बैड डेट होगा, यह व्यापार के लिए हानि होती है। लेन देन यानी ट्रांजेक्शन, व्यापार में माल संबंधी क्रय विक्रय और वस्तुओं का पारस्परिक आदान प्रदान होता है। ऐसे सभी लेन देन मुद्रा में होते हैं या मुद्रा द्वारा मापे जा सकते हैं। मुद्रा का भुगतान तुरंत या भविष्य में हो सकता है। व्यापारी द्वारा किए जाने वाले सभी आदान प्रदान लेन देन कहलाते हैं। जब सौदे का तुरंत भुगतान किया जाता है तब वह नकद लेन देन यानी कैश ट्रांजैक्शन कहलाता है और जब भुगतान भविष्य में किया जाता है तब उसे उधार लेन देन यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। प्रमाणक यानी वाउचर, व्यापार संबंधी सभी व्यवहारों व लेन देन के प्रमाणों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स दिए या लिए जाते हैं उन्हें प्रमाणक यानी वाउचर कहते हैं। उधार क्रय विक्रय हेतु बिलों, रुपयों के लेन देन के लिए रसीदों, बैंकों में जमा करने हेतु स्लिप व बैंक से रुपए निकालने हेतु चेक आदि सभी वाउचर या प्रमाणक कहलाते हैं। इनका जरूरत पड़ने पर प्रमाण प्रस्तुत करने में उपयोग किया जाता है। टैली के इस अध्याय में अकाउंटिंग की जिन टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमने जाना उनमें शामिल थी राजस्व यानी रेवेन्यू, आय यानी इनकम, छूट यानी डिस्काउंट, डूबत ऋण यानी
बैड डेट्स, लेन देन यानी ट्रांजेक्शन और प्रमाणक यानी वाउचर।